नागपुर के मध्य रेल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 से एक संदिग्ध व्यक्ति को आरपीएफ के पुलिस प्रभारी रामजी मीणा इन्होंने गश्त के दौरान गिरफ्तार किया और उस व्यक्ति से तकरीबन 60 लाख रुपए बरामद किए। आगे की जांच जारी है। नागपुर मध्य रेल का आरपीएफ विभाग एक ऐसा विभाग है जो रेलवे स्टेशन के हर प्लेटफॉर्म पर गश्त करते देखा जा सकता है। अब तक के आरपीएफ ने दर्जन से ज्यादा के मामलों में कार्रवाई कर कई मामलों को सुलझाया है। इसी क्रम में मध्य रेल स्थित आरपीएफ के जवान और आरपीएफ पुलिस प्रभारी रामजी मीणा इन्होंने सुबह 10:10 पर नागपुर रेलवे स्टेशन के पूर्व गेट के एफओपी से निकलकर जाते हुए एक व्यक्ति को एक भारी ट्रॉली बैग के साथ संदिग्ध अवस्था में पाया गया। बैग में क्या है पूछने पर उस व्यक्ति द्वारा कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिलने से आरपीएफ पुलिस प्रभारी रामजी मीणा इन्होंने ट्रॉली बैग की जाँच की। जांच करने पर उस बैग में 500 रुपए के तकरीबन 60 लाख रुपए पाए गए। आरपीएफ पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर उस व्यक्ति को हिरासत में लिया। उस व्यक्ति ने पांचपौली में अपना प्रतिष्ठान होने की बात कही है। आरपीएफ पुलिस इस दिशा में और अधिक जानकारी जुटाने में लगी है। इस मामले की जानकारी आरपीएफ पुलिस प्रभारी रामजी मीणा इन्होंने बीसीएन समक्ष दी है। आज दिनांक 22/5/2021 को मैं आरपीएफ इंस्पेक्टर नागपुर आरएल मीणा नागपुर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 8 ईस्ट गेट की तरफ स्टाफ के साथ गश्त कर रहा था। गश्त के दौरान एक व्यक्ति जो एफओबी से उतर कर बाहर की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। उसकी चाल से वह संदिग्ध दिखाई दे रहा था, इसलिए उस व्यक्ति को रोक कर उसके बैग में क्या है उसके बाबत पूछताछ किया गया तो वो संदेहास्पद लगा और ठीक से जवाब नहीं दे पाया, इसलिए वो व्यक्ति को स्टाफ की मदद से पकड़कर आरपीएफ थाना नागपुर लेके आए। बैग के सामान को दो पंचों के समक्ष चेक करने पर उस बैग में 60 लाख रुपए कैश भारतीय मुद्रा सभी नोट 500 के है वो उनके पास मिले हैं। व्यक्ति से पूछताछ की गई कि किस काम से लिया जा रहा, तो वो बता रहा है कि नागपुर में कोई उनकी कंपनी है जिसके संबंध में अभी इंक्वायरी जारी है और ये कैश इटारसी से नागपुर तक आया है जीटी एक्सप्रेस ट्रेन में टिकट से यात्रा करके व्यक्ति आया है। पकड़े गए व्यक्ति का नाम सबीर हुसैन अली है जो या पांचपौली में कोई एक कंपनी का नाम बता रहा। कंपनी का नाम एक्चुअल में इतवारी रोड पे, लेकिन एक्चुअल है क्या वो मुझे अभी तक इंक्वायरी भी जारी है उसकी और किस काम से लाया जा रहा है इसके संबंध में अभी तक पूछताछ जारी है और जैसे ही पूरे दस्तावेज मिलेंगे या जिस तरीके की जाँच में निष्कर्ष निकलता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के संबंध में इसकी जानकारी देकर आगे कार्रवाई की जाए। आए दिन कोरोना को लेकर लॉकडाउन के चलते लगभग सारे कामकाज बंद पड़े हैं, तो वही कुछ शातिर व्यक्ति एक शहर से दूसरे शहरों में लाखों की हेरा फेरी कर रहे हैं। कोरोना में कई लोग रोजगार से वंचित हैं, तो कई लोग कोरोना कार्यकाल में मालामाल भी हो रहे हैं। नागपुर के रेलवे स्टेशन से कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ संजय मिरे की रिपोर्ट।